नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। देश में आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तीसरी डोज उसी वैक्सीन की लगाई जाएगी जिसकी पहली दो डोज लगी, यानी पहले कोविशील्ड की दो डोज लगी है तो तीसरी भी कोविशील्ड की ही लगेगी। वहीं देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा डेली केस सामने आए हैं। रोजाना तेजी से बढ़ रही नए मरीजों की संख्या तीसरी लहर में पहली बार 1.80 लाख तक पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में इस संक्रमण के 1,79,554 नए मामले सामने आए हैं और 146 लोगों की मौत हुई है। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। माइकल लोबो ने राज्य के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए लोबो ने कहा, मैंने गोवा के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद है कि गुट के लोग मेरे फैसले का सम्मान करेंगे। मैं विधायक पद से भी इस्तीफा दूंगा। इसके साथ ही दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत कर रहा हूं। हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था उससे मैं और कई कार्यकर्ता नाखुश थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले जजों की संख्या 4 हो गई है। इसके अलावा शीर्ष कोर्ट के कई कर्मचारी भी महामारी की चपेट में आ गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रिटायर हो रहे एक जज की फेयरवेल पार्टी से ये संक्रमण फैला है। वहीं कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में तेज बुखार और कंपकंपी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट के विपरीत ओमिक्रॉन मरीजों में स्वाद और गंध का खोना आम नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में एससी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम विजिट का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सुरक्षित रखने को कहा था। इसके लिए उन्हें एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी और चंडीगढ़ पुलिस की मदद भी दी गई थी। वहीं कश्मीर में 4 दिन से बर्फबारी जारी है। इस मुश्किल वक्त में कश्मीरियों ने सिर्फ अपनी मेहमान नवाजी बल्कि इंसानियत का जज्बा भी दिखाया है। ये कश्मीरी अपने टूरिस्ट मेहमानों को बर्फीले तूफान से बचा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भोजन पानी और रहने की जगह भी मुफ्त मुहैया करा रहे हैं। ये इसलिए और अहम हो जाता है कि पाकिस्तान के मरी में शनिवार को 10 बच्चों समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी। इन लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन उनकी गाड़ियां जाम में फंस गई। वहीं आज ही के दिन प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर टिंटिन का 1929 में जन्म हुआ था। 10 जनवरी 1929 को बेल्जियम के अखबार में पहली बार टिंटिन छपा था। टिंटिन की उस पहली कार्टून सीरीज का नाम था द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। टिंटिन एक साहसी रिपोर्टर है जो अपने कुत्ते स्नोई के साथ दुनिया भर में यात्रा करता है। टिंटिन ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जिसके पास तेज बुद्धि है। वह ईमानदार, सभ्य और दयालु है। वह अपना बचाव कर सकता है। अपनी खोजी रिपोर्टिंग, तुरंत सोचने की क्षमता और अच्छे स्वभाव के जरिए वह हमेशा रहस्यों को सुलझाने और साहसिक कार्य को पूरा करने में सक्षम होता है। वहीं ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत पर आज फैसला हो सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज उसकी सुनवाई होगी। 5 जन ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था जिसमें उनसे मजीठिया की याचिका पर नोटिस भेज 8 जनवरी तक जवाब देने को कहा गया था, जिसके बाद सरकार ने एससी से जवाब सौंप दिया है। अहम बात यह है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। अभी तक पंजाब सरकार नशे को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इस मामले की जोरदार ढंग से पैरवी कर रही थी। देश में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने के लिए कहा। मोदी ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं उन राज्यों को टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए। वहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई सर्विस रविवार को करीब 1 घंटे के लिए बंद रही। इसके डाउन होने से कई यूजर्स को पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे यूपीआई बेस्ड ऐप के कुछ यूजर आया कि रविवार शाम से काम नहीं कर रहे हैं। यूपीआई को डेवलप करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने ट्वीट कर कहा, तकनीकी खराबी के कारण यूपीआई यूजर्स को कई असुविधा के लिए खेद है। यूपीआई अब चालू है और हम सिस्टम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।
वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू होने से वहां कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिया है। आयोग ने शनिवार को ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनावों की तारीख घोषित की थी और इसी के साथ इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई थी। धन्यवाद, अच्छी खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।